दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं ऋतिक। शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज और बेहतरीन ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया के, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो T20 इंटरनेशनल्स अभी तक जितने भी हुए हैं उसमें सेकंड नंबर पर हाईएस्ट विकेट टेकर्स में उनका नाम आता है। और उन्होंने इस बारी केएल राहुल, जो कि भारतीय टीम के वाइस कैप्टन है, उनके बारे में उन्होंने टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय टीम के जो मेन मैन है यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट सदस्य हैं उनमें से एक हैं केएल राहुल, और अभी सिर्फ वो 30 साल के हैं और उनके अभी जितना भी समय बचा है 5 से 7 साल का, उसमें वो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं भारतीय टीम के लिए। और उन्हें उम्मीद है कि केएल राहुल अच्छे परफॉर्मेंस के साथ वापसी आएंगे, जो उनकी पिछले कुछ टाइम से इंजरीज चल रही थी जिससे वो क्रिकेट से दूर थे, अब वो वापस आ चुके हैं। एशिया कप में उन्होंने कहीं दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया अपनी फॉर्म का, और उम्मीद है कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज होनी है और उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगी T20 सीरीज, फिर वनडे सीरीज, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप होगा, उसमें भारतीय टीम के लिए वो एक इंपॉर्टेंट सदस्य निकलकर उतरेंगे। साथ में शेन वॉटसन ने यह भी कहा कि जब केएल राहुल अपने शॉट्स खेल रहे होते हैं तब वो बिल्कुल लहर में दिखते हैं और उनसे बेहतर कोई और प्लेयर नहीं लगता। बहुत क्लासी प्लेयर है, क्लासी ड्राइव्स खेलते हैं वो, पुल शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं, जिस तरीके से केएल राहुल फ्लिक मारते हैं वो भी बहुत बेहतरीन होता है। तो शेन वॉटसन एक दिग्गज प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के, और पूर्व क्रिकेटर में उनका बेशुमार बहुत बड़े ऑलराउंडर्स में नाम आता है, और कहीं ना कहीं उनके मुंह से ऐसी बात निकलना बहुत बड़ी बात है। और खुद भी वो लंबे लंबे छक्के मारने के लिए और बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते थे। CSK में जब वो ओपनिंग किया करते थे शेन वॉटसन, तो इतने ऊंचे ऊंचे छक्के मारा करते थे और बेहतरीन स्ट्राइक रेट से T20 क्रिकेट में, चाहे ऑस्ट्रेलिया से खेलते हो चाहे किसी फ्रेंचाइजी से खेल रहे हो, T20 में 160 के ऊपर से के स्ट्राइक रेट से, कह सकते हैं 150 के स्ट्राइक के ऊपर के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया करते थे। तो उनके मुंह से ये बात निकलना बहुत बेहतरीन चीज़ है केएल राहुल के लिए। और अभी अभी पिछले दिन यानी सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वाइस कप्तान केएल राहुल की, और उन्होंने काफ़ी बातें करी। पहली बात तो उन्होंने ये भी बोली थी कि जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उनके स्ट्राइक रेट को लेकर T20 क्रिकेट में, उन्होंने कहा कि कोई भी परफेक्ट पैदा नहीं होता और हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है, और जिस तरीके से सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से प्लेयर को खेलना चाहिए। अगर प्लेयर 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है तो भी वो मैच की डिमांड होगी, और अगर प्लेयर 100 या 120 के स्ट्राइक रेट से खेलता है वो भी मैच की डिमांड है। और कई बार 100 या 120 के स्ट्राइक रेट से जब भी कोई प्लेयर खेलता है तब भी कई बार टीमें मुकाबला जीत जाती हैं, और दुनिया सिर्फ स्ट्राइक रेट को देखती है, प्लेयर की परफॉर्मेंस और टीम की सिचुएशन को नहीं देखती। इसलिए उनके मन में एक स्लो स्ट्राइक रेट का जो मिथ है वो बैठ रहता है, इसलिए जो दुनिया देखती है वो स्लो ही देखती है किसी भी स्ट्राइक रेट को। तो उन्होंने आगे चलकर टीम के एनवायरनमेंट के बारे में भी बात करी थी। टीम के एनवायरनमेंट में उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि जो कोचेज होते हैं या कह सकते हैं जो कप्तान होते हैं वो जो कहते हैं हमारे लिए वो मैटर करता है, और साथ साथ जो क्रिटिसिज्म होता है बाहरी दुनिया तो क्या ही करेगी, जो हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं वो सबसे ज्यादा करते हैं कि हम आगे जाकर वो सेम गलती ना करें। तो यही सब था इस वीडियो में। और शेन वॉटसन जो कि ऑस्ट्रेलियन पूर्व दिग्गज है, उन्होंने काफी बड़ी बात कह दी केएल राहुल के बारे में। उन्होंने कहा कि ये भारतीय टीम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप कितना एग्री करते हैं कि शेन वॉटसन की स्टेटमेंट से, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।